उत्तराखंड में कांग्रेस की वरिष्ठ नेत्री ममता हालदार ने अगले साल होने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर शक्ति प्रदर्शन किया। 2022 के विधानसभा चुनाव के नज़दीक आते ही सभी प्रत्याशियों ने अपना जोर आजमाइश करना शुरू कर दिया है। आज कांग्रेस की वरिष्ठ नेत्री ममता हालदार ने रैली निकालकर कांग्रेस परिवर्तन रैली में समर्थन किया और अपनी टिकट दावेदारी भी पेश की। उनका कहना है कि उत्तराखंड के गदरपुर विधानसभा में बंगाली बाउल होने के साथ सभी जाति के लोग रहते हैं। अगर पार्टी हाईकमान उन पर भरोसा दिखाते हुए उन्हें टिकट देती है और जनता उन्हें चुनाव जिताती है तो वे गदरपुर को विकास के अलग ऊंचाइयों तक ले जाएंगी और विपक्ष को मुंह तोड़ जवाब देंगी। इसमें जो चुनाव हो रहा है अभी तक ये सीट कभी कांग्रेस के हाथ में नहीं लग पाया। किस रूप में देखते हैं वास्तविक बहुत सारा गुटबाजी हुई है। क्या है पूरा? नहीं, गुटबाजी है लेकिन जनता जो है गुटबाजी नेताओं में हो सकते हैं लेकिन जनता में नहीं। जनता ने इनके जुमलेबाजी से बहुत 50 साल तक हमारी कांग्रेस को हमने जनता ने वोट दिया है और कांग्रेस के विरोध थे लेकिन इस बार जो है कांग्रेस ये बीजेपी वाले ने जुमला दिखा के जनता को भ्रमित कर दिया। लेकिन वो जनता भ्रमित होने के बाद अब जनता त्रस्त हो गए हैं और त्रस्त होने के बाद जनता जो है मन बना लिया है कि कांग्रेस को लाना है। और इस बार मैं आपको कहना चाहूंगी बहुमत तो हमारी 50 से 60 सीटें हमारी उत्तराखंड में आएगी और उधमसिंह नगर के 9 सीट हमारे खाते में। लेकिन आपके कांग्रेसियों द्वारा हरिद्वार को तो नेता मानने के तैयार नहीं है, उनको मुख्यमंत्री के दावेदारी पेश नहीं करवा? नहीं नहीं, ऐसी बात नहीं है। सारे लोग इकट्ठे चल रहे हैं। आज आप देख लीजिएगा रैली में हमारे सारे शीर्ष नेता है, कोई गुटबाजी नहीं है, सब नेता हमारे साथ है। कांग्रेस पार्टी हरिद्वार कांग्रेस पार्टी हरिद्वार दावेदारी पहले भी हमने दावेदारी मिला था लेकिन इस बार जो है हमने दावेदारी की है। लेकिन हमारी टिकट का जो निर्णय होता है वो हमारे ऊपर से जैसा उनका आदेश होगा हम उसी के ऊपर। लेकिन आपको हम बताना चाहेंगे आज न्यूज़ को जो कहते हैं ना बंगाली लोग बीजेपी के साथ है, आज 2-3 हजार जो है महिलाएं यूथ और बुजुर्ग इतने जुनून हो गए उनमें धूप में भी सारे लोग मुझे बाजार में आप ही देख पा रहे हैं। इस बहुत बड़ी रैली के रूप में परिवर्तन यात्रा इस बार आम आदमी पार्टी भी दस्तक दे रखे उत्तराखंड में, उनका भी कहना है कैसे निकल रहे? नहीं, आम आदमी का तो सीट ही नहीं निकल रही आज। आम आदमी आप भी यहाँ है, आप मीडिया के माध्यम से निकल रहे हैं, उनका कोई सीट नहीं निकल रही है, केवल वोट काटने का काम करेगा लेकिन वो सक्सेसफुल।